Good morning students, today we have taken the topic electric field due to charged solid sphere. As we know that in our previous lectures, in our previous calculations, that the potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r, where r greater than capital R. Second case हमने किया था कि when r is equal to r, तो 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. एक तीसरा केस भी हमने किया था कि r less than r, तो उस केस में क्या था हमारे पास 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 2 r q bracket 3 r square minus r square. We know the definition of the electric field E is equal to minus B dot del dot B, या ग्रेडियंट के साथ हमने जो या पोटेंशियल के साथ जो हमने डेफिनेशंस ड्राइव की थी या इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट बी. अब इसमें तीन केस है. पहला केस क्या था, आर ग्रेटर देन आर. उस केस में क्या होता है कि E V इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. अब हमने क्या किया इस इक्वेशन में, अब वाली इक्वेशन में हमने V की वैल्यू पुट कर दी. जब B की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल इनटू 1 अपॉन आर. अब ये डेल अपॉन डेल इनटू 1 अपॉन आर, वैसे तो हमने ये पहले दूसरे चैप्टर में किया हुआ है, पर फिर भी हम लोग यहां कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की स्क्वायर रूट. उस वैल्यू को हमने क्या किया, डेल डॉट वन पॉन आर में पुट कर लिया, तो वहां से डेल की वैल्यू जो होती है करली पॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली पॉन करली वाई जे कैप प्लस करली पॉन करली जेड के कैप. अब सिंप्लीफाई करने लगे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको जब ऊपर लिखे जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा हर एक में, अलग अलग में हम इस वैल्यू को रख लेंगे, एक्स में भी रख लेंगे, वाई में भी और जेड में भी. वहां से जो कैलकुलेट करके आता है या डिफरेंशिएशन करके आता है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस आर अपॉन आर क्यूब या आर कैप माइनस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन अबव इक्वेशन या इक्वेशन नंबर टू, देन वी गेट ई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q r upon r square. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. अगर जब सेकंड केस आता है हमारे पास, सेकंड केस में क्या है कि r इज इक्वल टू r, v इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इट मींस दैट दैट वैल्यू इज कांस्टेंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी. थर्ड जो केस आता है उसमें क्या था कि r जो है लेस देन, r जो लेस देन है मेरे पास वो क्या था, r है कैपिटल r लेस देन r, राइट. उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो v की वैल्यू है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon 2 r q into 3 r square minus r square. अब हम फिर इसको रीअरेंज कर रहे हैं, q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 upon 2 r minus r square upon 2 r q. तो e is equal to minus del dot b, सिमिलरली हमने b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी. फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को, ठीक है. अब इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे कि दो टर्म्स है मेरे पास, डेल 3.2 r वो कांस्टेंट है क्योंकि r मेरा कांस्टेंट था, वो जीरो के बराबर गया. अब टर्म कौन सी बचती है, माइनस डेल r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब. अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 upon 2 r क्यूब मैंने बाहर कर लिया, डेल डॉट r स्क्वायर कर लिया. अब r की वैल्यू हमने पहले भी पुट की थी अभी फर्स्ट टर्म में, जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सिमिलरली उसी वैल्यू में पुट करेंगे. डाइवर्जेंस की भी वैल्यू हमें पता, करली पॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली पॉन करली वाई जे कैप प्लस करली पॉन करली जेड के कैप. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन पॉन आर क्यू ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये किसके बराबर था, आर के बराबर था, तो माइनस आर अपॉन आर क्यू के बराबर गया. अब ये वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर सिक्स और सेवन की जो है इन इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर देंगे, देन वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट.
तो E is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught into minus R upon R cube. 1 upon 4 pi epsilon naught simplify कर रहे हैं Q upon R cube. हमें एक चीज और भी बता, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि जो Q की वैल्यू है, जो टोटल चार्ज होता है, वो किसके बराबर होता है? 4 pi upon 3 R cube into rho. Rho is the volume charge density. Right? Then we have to put this value in this equations. We have E is equal to 1.4 pi epsilon naught 4 pi rho upon 3 into R square. अब क्वेश्चन था कि जो आर क्यू है वो आर क्यू से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो अपॉन 3 आर इनटू आर कैप, सिंपलीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? तो दिस इज द रिजल्ट्स फॉर. अब क्वेश्चन से ये राइजेस होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा हमारा? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस व्हेन द केस आर ग्रेटर देन आर. When R is equal to R, then the electric field is equal to zero. When R less than R, then the electric field directly proportional to the distance. This is the most important points which we have calculated in the electric field due to a charged solid spheres. Hope you enjoy this lecture. Thank you very much.